हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी देता है, स्पेशली मॉम्स को। अब कई बार हमारे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, वो रुकते ही नहीं है कहीं पर, बहुत ज्यादा शरारते करते हैं, बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी होती है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, मदर्स को इस बात का बहुत ज्यादा चिंता रहती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, पर साथ ही साथ प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करेंगे सभी को इसका फायदा होगा। अब हम बात कर रहे थे उन मदर्स की जिनके हाइपर एक्टिव बच्चे हैं। देखिए, तीन चार तरीके के होते हैं, या तो आप बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, स्पेशली टीन एज में आकर आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत छोटे लेकिन बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, 10 साल से छोटे, 12 साल से छोटे भी हो सकते हैं और कई बार बड़े भी हो जाते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव, एनर्जीज बहुत है। बहुत बॉसी बच्चे भी होते हैं कि बहुत ज्यादा रोब मारते हैं। तो इस तरह का अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स में कोई भी बच्चा है, उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करना है। बहुत ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होना, एनर्जीज को हमें चैनलाइज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पहले तो अपने बच्चों के रूम में, बहुत ज्यादा उस बच्चे के रूम में जो बहुत हाइपर एक्टिव है, हमने बहुत सारे पेल ग्रीन, पेल ब्लू, पेल पिंक, पेस्टल शेड्स में बहुत सारे कुशंस लगा दो, कारपेट्स लगा दो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रग्स लगा दो उसके आसपास ही। बहुत तरह की, देखिए, यांग एनर्जी, यिंग एंड यांग, फेंगशुई कहता है यिंग एंड यांग का सारा सर्कल है। यांग मींस मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी, यिन मींस क्वाइट पीस। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब उसके पास आसपास बहुत सारी यांग एनर्जी है, तो हमने उसकी यांग एनर्जी को क्वाइटन करने के लिए यिन एनर्जी को इंक्रीज कर देना है। तो वो क्या है, पेस्टल शेड्स, पिंक्स, ब्लूज, ग्रीन्स, पेस्टल्स में, मोटे मोटे भारी भारी रग्स, कुशंस, भारी पर्दे, कारपेट्स। उस बच्चे को भी आप पेस्टल्स कलर्स डलवाइए थोड़े टाइम के लिए, उसकी एनर्जीज को क्वाइटन करने के लिए। धीरे धीरे इसका असर जरूर आएगा। अगर आपका बच्चा होमवर्क ही नहीं कर रहा तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन में बिठाइए। ना तो उसको साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल नहीं दिखाना उसको। अब उनके सिर भी अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ करके सुलाएंगे तो वो अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना शुरू कर देंगे इस डायरेक्शन में। मिरर तो बिल्कुल भी अपने बच्चे के कमरे में लगाना ही नहीं है आपको, मिरर नहीं यूज करना छोटे बच्चे के कमरे में जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जीज है। फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स भी नहीं लगाना, वैसे भी चोट लगती है, वैसे भी नहीं आपको लगाना। और आपको अगर हो सके तो, अगर उसका टेबल है तो उसके चारों तरफ, चारों तरफ छोटा छोटा बुशी प्लांट्स लगाने, बुश हो जिसमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करना शुरू करे, तो ऐसे बच्चों की एनर्जीज जो है वो कंट्रोल होंगी। अगर आपकी बेटी है मान लो, या बेटा ही है, बहुत ज्यादा बॉसी है, अब एनर्जीज हाइपर एक्टिव भी है, बॉसी भी है, आपको क्या करना है, हमें सबसे पहला काम ही यही करना है कि हमें उसके पेस्टल कलर की चीजें उसको डलवानी शुरू कर देनी है। अच्छा, फिर अगर पॉसिबल हो तो उसको नॉर्थ वेस्ट के एरिया में उसे सुलाएं, या उसको एक्सपोज करें, उधर ज्यादा बिठाएं, क्योंकि वहां की एनर्जी जो होगी वो थोड़ी सी उसको कंट्रोल करेगी। अच्छा, जो जो कि हमें, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी को हमने कम करना है, उस एरिया की एनर्जी को कम करना है, क्योंकि वहां एयर बहुत ज्यादा, तो उस एनर्जी वो तो हवा में ही रहेगी, बॉसी रहेगी बहुत ज्यादा, तो उस नॉर्थ वेस्ट के एरिया की एनर्जी को उसको एक्सपोज नहीं होने देना, उसको कंट्रोल करना है, उसको स्लीप नहीं करने देना इस डायरेक्शन में, ना ही उसको फेस करके बिठाना है, बल्कि उसको उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट से बचाना है उसको वेस्ट में कर लो, साउथ ईस्ट में कर लो, ईस्ट में कर लो। तो अब आपको समझ में आया कि ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी, नॉर्थ, वैसे बॉसीनेस की एनर्जी आती है नॉर्थ वेस्ट से, तो हवा में ही रहेंगे बच्चे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप ईस्ट की एनर्जी से उसे एक्सपोज कीजिए, ज्यादा ईस्ट में फेस करके बिठाइए, रूम इस तरह से कर दीजिए कि उसका टेबल ईस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो,
तो ईस्ट की तरह चला जाए, वेस्ट की साइड हो जाए, नॉर्थ वेस्ट ना हो, अवॉइड करो, क्योंकि वो बहुत बॉसीनेस दिखाएगा। बच्चा कोई भी हो, बेटी बेटा कुछ भी। अब अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा शाय है, इंट्रोवर्ट है, तो उसको क्या चाहिए एनर्जी? यांग की एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। हाइपर एक्टिव है अलग बात है, शाय है अलग बात है। तो आप उसको क्या करोगे कि ज्यादा देर उसको आउटडोर की एनर्जी से इंट्रोड्यूस कराओ, ज्यादा स्पेंड कराओ, ब्राइट कलर के कपड़े डलवाओ, शाइनी उसको ऑब्जेक्ट उसके आसपास रखवाओ, शाइनी कोई वॉच ले दो, शाइनी कोई गले में कुछ भी ब्रेसलेट ले दो, उस तरह की बहुत सारी लाइट्स हो उसके आसपास, ताकि उसकी एनर्जी यांग की बढ़े। देखो मुझे नेचुरली शुरू से ही लाइट्स बहुत पसंद है, आसपास हमेशा मेरी बहुत लाइट्स होती है, हालांकि वीडियोस बनाते टाइम मुझे कम आती हैं, लेकिन अदरवाइज मुझे हमेशा लाइटें जलाने की आदत है। बहुत ज्यादा जलाई और फिर आराम से बैठे पढ़े, एक लाइट नहीं जलाकर पढ़ूंगी, दो लाइट जलाकर पढ़नी है, तो यांग की एनर्जीज अपने आप आएंगी ना, ज्यादा एनर्जाइज्ड रहोगे आप। अच्छा, फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है या मोटिवेशन बढ़ाना है, बच्चे की जो शाय है उसको ईस्ट की एनर्जी से आप वो करो, एक्सपोज करो, नॉर्थ ईस्ट भेजो, साउथ की तरफ दिखाओ उसको, उसका सिर ही उस तरफ हो जब वो सो रहा है, साउथ की तरफ सुलाओ, साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। कोई भी पानी की चीज ईस्ट की डायरेक्शन में अपने घर में प्लेस करवाओ, जैसे कि एक्वेरियम। अच्छा, अब बहुत बड़े बड़े पेड़ लगवाओ, स्पेशली आप वुडन जो है, वुड के एलिमेंट को बढ़ाना है तो आप बड़े बड़े पेड़ लगाओ। मैंने ना अभी थोड़े टाइम पहले भी आपको बताया था कि अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अर्थ के एलिमेंट को बढ़ाना है, 2, 5, 8 बढ़ाओ, आप खुद महसूस करोगे कि रिलेशनशिप में इश्यूज जो है वो कम हो गए। 2 मून है, 5 बुध है, बोलोगे सही, सोचोगे सही, मन में सही बात आएगी, बोलोगे सही, और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना शनि की क्रिएट करी हुई है वो भी ठीक हो जाएंगी, और मटेरियलिस्टिक नंबर है 8। पैसे से भी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। तो 2, 5, 8 मैं हमेशा से कहती हूँ रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। कि अब टॉपिक एकदम से चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह अगर आपको बच्चों को सॉल्व करना है तो अर्धी वुडन एलिमेंट 4 और 3। 4 राहु का नंबर है, वैसे भी दिमाग घुमाता है बहुत ज्यादा। अब अगर दिमाग ही कंट्रोल हो गया बच्चे का तो वो कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। इसी तरह हम वुड का नंबर 3 भी। अब 3 किसका नंबर है? जुपिटर का नंबर है। 3 और 4 है ना वुड का नंबर। अब 3 जुपिटर का नंबर है, सद्बुद्धि मिल गई, उधर से वो कंट्रोल हुआ राहु, इधर से सद्बुद्धि मिल गई, बात खत्म, अब सब कुछ ठीक चलेगा उसका। इसीलिए बोल रही हूं कि ये बात नंबर्स एलिमेंट हमेशा मैं कहती हूं, क्वा नंबर का ध्यान रखो, अपने लोशो ग्रिड में सोचो, लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही आपको बता रही हूं। ये लोशो ग्रिड का ही एक हिसाब से एक्सटेंशन है कि लोशो ग्रिड में आप खुद सोचो आपके मिसिंग नंबर जहां होंगे आपका बच्चा वहां बहुत हाइपर एक्टिव होगा। 4 नंबर आप मिसिंग होगा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, या 4 नंबर ज्यादा है तो भी एक्सेस भी तो बुरी है, ऐसे ही 3 नंबर है ही नहीं जो हाइपर एक्टिव बच्चे होंगे, और जो शाई होंगे उनका कहीं ना कहीं 2 ज्यादा हो रहा है, वो भी गलत है। 2 2s भी हो गए तो मून तो एकदम से बस हो गया ना शाई। तो इसलिए तो आपको बताया कि टॉल टॉल प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि वुड को हमने कंट्रोल करना है। टॉल प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स तो वैसे भी वैसे लगाने, हम हमेशा अपने अर्थ के लिए करते हैं, तो अपने अर्थ के नंबर को बढ़ाना है, अपने वुड के नंबर को सॉरी बढ़ाना है, अर्थ के लिए क्रिस्टल्स यूज करते हैं अर्थ नंबर के लिए, और हमें ब्राइट लाइट्स यूज करनी है, रेड करो, पर्पल करो, ऐसी लाइट्स जो है शाइनेस बच्चे की गायब कर देंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि इसमें हाइपर एक्टिव बच्चों का भी है, शाय बच्चों का भी है, रिलेशनशिप के लिए भी मैंने कुछ बता दिया, एलिमेंट और नंबर को भी मिक्स कर दिया, लोशो ग्रिड भी बता दी और डायरेक्शंस भी बता दी फेंगशुई के अकॉर्डिंग, और क्वा नंबर से अब जो मैं अब आगे आने वाले वीडियोस डालूंगी उसमें आपको इतनी कस्टमाइज्ड नॉलेज मिलेगी अपनी कि आप कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि इतना कैसे पता चलता है। नंबर्स के थ्रू आपके पार्टनर के अल्फाबेट का डिजिट समझ में आता है।
तो ये सब चीजें मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। फ्रेंड्स प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन आपके नीचे ही है। थैंक यू सो मच।